इस कर्नाटक से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, येदियुरप्पा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हम आपको बता रहे थे कि बीजेपी के जितने विधायक जीत कर आए हैं उनकी बैठक हो रही है और उस बैठक में येदियुरप्पा को विधायक दल का नेता चुना गया है और येदियुरप्पा राज्यपाल से मिलने अब राजभवन जा रहे हैं और आधिकारिक तौर पर अब सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। प्रकाश पांडे बेंगलुरु से हमें जानकारी देंगे। प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है? सुशांत, 11 यहाँ पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो कि प्रभारी भी थे यहाँ पर वो थे, जेपी नड्डा थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, अनंत कुमार पहले से यहाँ मौजूद है, सदानंद गौड़ा भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर जो है विधायकों की बैठक में जो है सर्वसम्मति से जो है चुना गया येदियुरप्पा को नेता और उसके बाद ये सारा दल जो है जितने केंद्रीय मंत्री थे और येदियुरप्पा ये कॉर्नर हाउस निकल चुके हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अब शायद वो लोग वहां पहुंच भी चुके हैं और गवर्नर को जो है अपना केन देंगे। सबके हस्ताक्षर लिए गए जितने विधायक है और जो मेरी जावड़ेकर साहब से और अन्य लोगों से बात हुई, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जेडीएस और कांग्रेस जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे तो बहुत से विधायक हमारे संपर्क में है, भले वो खुलकर अभी सामने नहीं आ रहे लेकिन जब अगर हमें फ्लोर पे जब मौका मिलेगा तो वो हमारे। प्रकाश, एक चीज और बताइए, ये जो विधायक दल की बैठक थी इसमें बीजेपी के सारे 104 विधायक मौजूद थे? बिल्कुल, सारे विधायक मौजूद थे, उनके हस्ताक्षर भी करवाए गए हैं, वो सब कुछ लेकर जो है गवर्नर के पास पहुंचे हैं ये सब लोग और जहां पर जो हमारे सूत्र बताते हैं कि कल ही हो सकता है शपथ ग्रहण का समारोह भी हो जाए क्योंकि येदियुरप्पा लगातार कहते रहे कि मैं 17 को शपथ लूंगा, उनको कल इसीलिए दिल्ली भी जाना था लेकिन जिस तरह से वोटों की गिनती में कुछ कमी रह गई कुछ सीटों में तो उस वजह से उनको यहाँ रुकना पड़ा लेकिन कहा जा रहा है कि कल ही शपथ हो सकता है। हालांकि शपथ तो तब होगा प्रकाश जब राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए न्योता दे दे या कहें कि आप शपथ लीजिए। हमारे साथ एनके सिंह भी हैं। एनके सिंह जी, मुझे ये बताइए कि क्या इससे राज्यपाल के सामने एक तस्वीर तो साफ हो जाएगी कि एक पार्टी जो सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है उसके 104 विधायक इंटैक्ट हैं, उसके दस्तखत हैं। अब क्या राज्यपाल ये भी देखेंगे कि जेडीएस और कांग्रेस दस्तखत वाली लिस्ट सौंप पाती है या नहीं? देखिए, बहुत ही स्पष्ट है कि अगर दोनों दस्तखत वाली लिस्ट दोनों की, एक तो जो मीटिंग हो रही है अभी कांग्रेस की मीटिंग सुबह 8 बजे आप ही के यहां दिखाया जा रहा था कि 8 बजे मीटिंग 9 बजे मीटिंग थी और कांग्रेस के अधिकांश विधायक नहीं पहुंचे तो हो सकता है बीजेपी के अगर पहुंच सकते हैं तो कांग्रेस के क्यों नहीं पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में यह दुराव है और इसका बड़ा वैलिड रीजन है। अभी मेहंदी भी नहीं सूखी है हाथ की और आपने 4 घंटे के बाद गुलाम नबी आजाद फ्लाई करते हैं और एक ऐलान करते हैं जिस पार्टी के खिलाफ लड़े हैं उसके एक नेता को चीफ मिनिस्टर बनाने का एक्स पार्टी डिसीजन लेते हैं। कभी भी आपने विधायकों से नहीं पूछा, अपना नेता चुनते हैं तो आप विधायक दल की मीटिंग करते हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है क्या आपने अपने विधायक दल के नेता विधायक दल की मीटिंग करके पूछा? तो डेमोक्रेसी का तो मजाक सब बना रहे हैं ना आप। देखिए, एक तरफ तो यह है कि भाई उनके पास नंबर नहीं है बीजेपी के पास, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अगर इसको चेकमेट करने के लिए अचानक किसी एक थर्ड पार्टी को जो थर्ड आई है उसके किसी व्यक्ति को कहती है अच्छा नहीं तो चीफ मिनिस्टर, अरे तो ये कोई दुकान है क्या, ये परचून की दुकान है कि आप जिसको चाह कहा जा रहा है कि जो लिंगायत विधायक है वो नाराज हैं। एग्जैक्टली, अब यहाँ आते हैं कि नेता को जो है आप कह रहे हैं कि आप सीएम एक्सेप्ट कर लीजिए। सुशांत, लिंगायत वोट जो मिले हैं जिससे वो जीते हैं, एमएलए लिंगायत एमएलए जीते हैं, वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि आप एक वोट कलीगा वहां पे सोशल डिवाइड है तो वो कलिका को एक पार्टी डिसीजन लेके कोई सोनिया गांधी, कोई राहुल गांधी, कोई गुलाम नबी आजाद अचानक एक फैसला लेगा तो नेचुरली प्रजातंत्र का हरण वहां भी होगा। मुझे एक चीज बताइए कि क्या अगर कल येदियुरप्पा को बुला लिया जाता है शपथ ग्रहण के लिए या उनको राज्यपाल मौका दे देते हैं तो इसको लेकर एक और सियासी हंगामा हम देखने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस ये दावा करेंगे नहीं अजय जी से कि उनके पास तो नंबर। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो प्रक्रिया होने जा रही है उसके बाद आप पूछ लीजिएगा, ये जो प्रक्रिया होने जा रही है फ्लोर टेस्ट अगर वो होता है तो जो स्ट्रेटजी है वो बहुत सिंपल है और ये पहले भी येदियुरप्पा कर चुके हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। कुछ विधायक जो हैं पार्टी विप को वायलेट करते हुए सदन से का बहिर्गमन करेंगे, वो सदन से बाहर चले जाएंगे हालांकि ये भी और इमीडिएटली उनकी मेंबरशिप लूज कर जाएगी। जो ऑफर दिया है वो ये है कि हम इमीडिएटली तुम्हें वहां से लड़ा के बीजेपी के टिकट पे और तुम्हें फिर से ले आएंगे, पहला ऑफर ये है। दूसरा है कि अगर उस पर राजी हो तो वो, वरना हम तुम्हें विधान परिषद में ले आएंगे, दूसरा ऑफर ये। और तीसरा ऑफर है कि तमाम जो कमीशन होते हैं आपके जो परिषद होते हैं उसके चेयरमैन बनाएंगे।
ये तीनों ऑफर उन्होंने दे दिए हैं और मुझे लगता है कि अगर 10 भी बाहर निकल जाएंगे तो जो हाफ वे मार्क है वो 200 इस समय 219 है 219 हाँ 219 से घटके ये 209 पे आ जाएगा तब हाफ वे मार्क बीजेपी क्रॉस कर लेगा एक के समर्थन से। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेटजी है जो छोटा रिएक्शन आपका। नहीं, निश्चित तौर पे जो परिस्थिति बन रही है, यदि राज्यपाल सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को और येदियुरप्पा जी को यदि आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए, तो ये सच्चाई तो है कि जिसको मौका पहले मिलेगा वो सरकार बनाने में कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ चाहे जो भी नैतिक अनैतिक आचरण का प्रयोग करना पड़े, राजनीतिक जो बाध्यता अभी वहां पे दिख रही है उसके अनुरूप तोड़ तो सरकार तो बनेगी। कांग्रेस को जोड़ के रखना है। हाँ, सरकार जिसको यदि येदियुरप्पा जी छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं फिर आपके पास लौटता हूं। 1 बजे सीएम पद की शपथ ले सकते हैं येदियुरप्पा, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और दूसरी बड़ी खबर यह कि आज कुमार स्वामी से बीजेपी के नेता अनंत कुमार और प्रकाश जावड़ेकर ने मुलाकात की है, यानी कर्नाटक की सियासत में जो उलटफेर हो रहा है उसका सिलसिला अब भी जारी है। क्या कुमार स्वामी अब कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, इसके भी कयास लगने लगे हैं, क्योंकि आज सुबह कुमार स्वामी ने अनंत कुमार और प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की है। सवाल यह कि जब आप कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हैं तो इस मुलाकात के लिए तैयार क्यों हुए? प्रकाश पांडे हमें इन दोनों खबर पर जानकारी दे पाएंगे। प्रकाश, आपके सूत्र की जो बता रहे हैं कि येदियुरप्पा कल शपथ ले सकते हैं क्या? बिल्कुल, वो जिस तरह से इतने कॉन्फिडेंट होकर यहां से निकलते वक्त भी उन्होंने ये बात कही और शुरू से लगातार वो कहते आ रहे हैं कि 17 तारीख को मैं शपथ ले रहा हूं, और राजभवन में घुसने से पहले भी उन्होंने वहां पत्रकारों को यही कहा कि कल मैं शपथ ले रहा हूं। यहां पे जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर वो आ रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि सुबह ताज वेस्टलैंड में कुमारस्वामी से भी मुलाकात हुई है जिसमें येदियुरप्पा मौजूद थे, प्रकाश जावड़ेकर मौजूद थे, अनंत कुमार मौजूद थे। अब ये नहीं पता ना तो उसके विजुअल्स अवेलेबल है कि वो बैठक औपचारिकतावश अगर सामने सामने पहुंचे एक दूसरे के साथ तो इसलिए बातचीत हुई या वो बैठ के कॉफी पीने लगे या कुछ आपस में कोई बातचीत हुई, कुछ डील भी तय हुई है। क्योंकि एक खबर ये भी आ रही है जिस तरह से बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि कल जो है 10 विधायक, जिस तरह से कांग्रेस का जो विधायक दल का बैठक था जिस तरह उसमें फिरस्को हुआ कि कल से उनके 10 विधायकों के मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं, और यहां पर बीजेपी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उसमें से 10 लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि वो रिजाइन कर देंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए बिल्कुल साफ स्थिति है कि क्योंकि गवर्नर से जब कर मिले तब गवर्नर ने यह कहा था कि मुझे चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट के साथ और पार्टी के सर्टिफिकेट के साथ कि कितने विधायक जो है आपके जीत का है, अगर आप मुझे लेके आएंगे तब मैं आगे कुछ विचार करूंगा। आज सारी चीजें कागजों पर बिल्कुल सब चीजें लेकर ये सारे केंद्रीय मंत्री और येदियुरप्पा मिलने गए हैं, तो जाहिर सी बात है जितने कॉन्फिडेंट होकर वो कह रहे हैं और जो मेरे सूत्र बताते हैं कल सुबह 11:30 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रकाश, एक चीज और बताइए कि क्या कांग्रेस और जेडीएस अपने विधायकों की परेड कराने की कोशिश करेगी राज्यपाल के सामने ये दिखाने के लिए कि हमारे पास नंबर है? वो कवायद वो करने की कोशिश कर रही है, पर सबसे बड़ी चीज है कि उनके विधायक उनके पास आ रहे हैं कि नहीं बोले, क्योंकि कांग्रेस के विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें सारे विधायक ही नहीं पहुंचे जबकि सुबह 8 बजे का समय रखा गया और उनके 10 विधायक जैसा कि मैं बता रहा हूं उनके मोबाइल ही स्विच ऑफ है, उसमें से 6 विधायकों ने जो है इस्तीफा देने की भी बात की है बीजेपी के समर्थन में एक तरह से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन विधायकों की वो परेड कराएंगे। कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, यहां तक कि उनके लिए रिसोर्ट भी बुक करने की बात कही जा रही है कि एक रिसोर्ट बुक किया गया है जहां पर वो अपने सारे विधायकों को लेके जाएगी। पर जिस तरह से बीजेपी इतने कॉन्फिडेंट होकर बार बार येदियुरप्पा कह रहे हैं इस बात को कि कल मैं शपथ ले रहा हूं 17 तारीख को, और आप तो हमारे सूत्र बताते हैं 11:30 बजे का समय भी तय हो गया है, तो गवर्नर के पास भी उन्होंने कल ही मिलने जब येदियुरप्पा गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट के साथ और पार्टी के सर्टिफिकेट के साथ जब आप मेरे पास आएंगे। प्रकाश, बहुत शुक्रिया। ये दोनों बड़ी खबर या कहें कि तीनों बड़ी खबर बताने के लिए, पहली बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि येदियुरप्पा कल सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, दूसरी बड़ी खबर ये कि कुमारस्वामी से बीजेपी नेताओं की मुलाकात हुई है, साथ में बैठकर कॉफी पी गई है। अब सवाल ये है कि ये इसका क्या मतलब है, क्या कुमारस्वामी अपनी स्थिति बदलने जा रहे हैं, क्या वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं? और तीसरी बड़ी खबर ये कि आज जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है उसमें कांग्रेस के सारे विधायक नहीं पहुंचे और 10 विधायक ऐसे हैं कांग्रेस के जो बताया जा रहा है कि उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं और वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। एनके सिंह साहब, ये तो खेल पे खेल होता जा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। नहीं, बहुत स्पष्ट है, इसमें बहुत क्लियर है, बल्कि एक बहुत बड़ा कू कहेंगे इसको
कि कुमार स्वामी प्रकाश जावड़ेकर से ये गवर्नर को इतना ताकत देगा बीजेपी को इनवाइट करने के लिए कि राज्यपाल ये कह सकता है कि एक पार्टी का सदर हमें चिट्ठी देता है कि हम कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उधर वो उसी दौरान अगले 12 घंटे में बीजेपी के नुमाइंदों से मिलता है। तो हम बहुत क्लियर नहीं है कि ये वायबल गवर्नमेंट दे पाओ, यहीं पे गवर्नर का डिस्क्रिशन आता है भारतीय संविधान। ये भी उस वक्त में सर जब लोग अपने विधायकों को बचा के रखते हैं जी, और वो फार्म हाउसेज में या रिजॉर्ट में रखते हैं, वहां उनका नेता मिल रहा है कॉफी पी रहा है। जी कॉफी पी रहा है और वो भी तब जबकि चिट्ठी दे चुका है। तो इसका क्लियर मतलब गवर्नर को ये बहुत ताकत देगा अपने को जस्टिफाई कराने के लिए कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को क्यों बुलाया। बहुत स्पष्ट है कि गवर्नर अपने रिपोर्ट में, हालांकि उसको रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिशन इस्तेमाल करना है और ये कह सकते हैं गवर्नर कि भाई जो जिस आदमी ने चिट्ठी दी है वो 12 घंटे के अंदर मिल रहा है। दूसरा ये खबर कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 10 विधायक आए नहीं, तो गवर्नर को यह मजबूत करता है उस जस्टिफिकेशन के लिए कि क्यों हम इन दोनों के इस प्रपोजल पे कांग्रेस और जेडीएस के कि हम सरकार बनाएंगे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, लिहाजा हमने लार्जेस्ट पार्टी। एक बात बताइए, क्या अगर कांग्रेस और जेडीएस के पास वाकई इस वक्त जो नंबर आंकड़ों में दिख रहा है, कागज पे दिख रहा है, वो होता तो वो अभी तक शायद राज्यपाल के पास वो पूरी हस्ताक्षर वाली लिस्ट लेकर या परेड कराने की विधायकों की सोच सकते थे? क्योंकि विधायक जैसा कह रहे हैं आप प्रकाश की, वो पहुंचे ही नहीं, इसीलिए ये चीजें नहीं हो रही हैं। निश्चित तौर पर अभी विधायक दल की बैठक ही इनकी हो रही है, विधायक दल के बैठक के बाद ही वो जो लेटर प्रस्तुत करना है कुमारस्वामी के समर्थन में ये बात आएगी। लेकिन एक बात मैं इससे कांग्रेस की हो गई सर विधायक दल की बैठक अभी की हो रही है। हाँ अभी एक जो मुख्य बात है इसमें जो जोड़ने वाली बात है समझने वाली बात है, कांग्रेस जब समर्थन दे रही थी तो उसी समय एक बात उसने कही थी कि यदि राज्यपाल नहीं बुलाते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है। ये क्लियर कट है, एक मैसेज देने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से सदैव रहा, कल के बाद से ये स्ट्रेटजी है कि मैं प्रयास करूंगा कि जो बहुमत दल का पूरा जो ज्यादा सबसे ज्यादा संख्या जिनकी है उनको राज्यपाल बुलाए, इस कंडीशन में कि चुनाव पूर्व नहीं लेकिन परिणाम पूर्व घोषणा हुई है हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन आप कोर्ट बाद में जाएंगे, तब तक तो येदियुरप्पा शपथ ले चुके होंगे और हो सकता है शायद तब तक में जब तक सुनवाई हो। राज्यपाल का जो विवेक है इस पर भी बार बार आपने सुप्रीम कोर्ट का शायद यदि देखा होगा तो इस पे भी पुनर्विचार याचिका दायर हुई है और ये रिव्यू के अंडर में आता है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस को ये सिर्फ ये दर्शाना है कि हमने जो है बीजेपी के अगेंस्ट एक मोर्चा बना करके आपको समर्थन दिया और गठबंधन की राजनीति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब ये तय करना है कुमारस्वामी जी को, यदि उन्होंने चाय पी है, जैसे कि आपके चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कॉफी के साथ उन्होंने कॉफी पॉलिटिक्स की होगी, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं उनके जो दावे हैं वो कमजोर होंगे। और यदि ये र्यूमर होगा तो इसकी भी सत्यता की जांच आने वाले समय में हो जाएगी कि कुमारस्वामी का स्टैंड क्या होता है इसमें। ठीक है, कुमारस्वामी का देखिए, कुमारस्वामी के लिए और एचडी देवेगौड़ा उनके जो पिता हैं उन दोनों के लिए कहा जाता है कि वो ऊंट किस करवट बैठेगा वाली स्थिति रहती है, वो किधर जाएंगे ये कुछ नहीं पता होता। तो कांग्रेस को कल समर्थन दे दिया, आज बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे ये बात मानकर कोई नहीं चल सकता और कुछ भी उलटफेर हो सकता है। तो कर्नाटक की सियासत में बड़ा उलटफेर एक बार फिर होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी सरकार बना सकती है इसकी गुंजाइश बढ़ गई है और कुमारस्वामी भी क्या दल बदल सकते हैं या पाला बदल सकते हैं इसके सवाल भी उठने लगे हैं। नायक नन्ना आय्के ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಅವರ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ ಆಸ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಕಾಪಿ ಟು ದ ಗವರ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಅಲೋ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ಓತ್ ಆಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ appropriate decision as early as possible. We have got 100% confidence that he is going to take a decision immediately. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡೋದೇನು ರಾಜ್ಯದ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ, ಅದನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಪತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ.
तो मैं कन्नड़ तो बहुत ज्यादा नहीं समझता, अंग्रेजी जितनी समझ में आई उसके हिसाब से ये कह रहे थे येदुरप्पा कि विधायक दल का नेता उनको चुन लिया गया है, वो राज्यपाल से मिले हैं, उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वो जल्द इस पर निर्णय लेंगे और सूचना उन्हें भी दी जाएगी। बड़ी खबर के बाद एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।